और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में और शख्स हैं, और भी शख्स हैं हमारे बीच में जो आपको अनम्यूट का ऑप्शन जाएगा मैम, रानी सिंह जो कि एमपी से बिलोंग करती है और जिन्होंने 3 स्टार किया है। तो वेलकम मैम, आप बताएंगे कि कैसे आपने 3 स्टार रैंक को अचीव किया है। वेलकम मैम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रानी सिंह, मैं अनूपपुर एमपी से बिलोंग करती हूँ, एक छोटे से गाँव से। और मैं इस सिस्टम को और तीनों एमडी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया और हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों की लाइफ अच्छी हो रही है, वो घर बैठे अर्न कर पा रहे हैं। और मैं अपने सीनियर सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी, मिस्टर शीतलदास मानिकपुरी, जिनके द्वारा मुझे सिस्टम के बारे में पता चला और उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया और मैं सिस्टम पर आई हूँ। और मैं सागर सर को और डायमंड सर को भी और देवी प्रसाद सर जी को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने हर टाइम पर मेरी हेल्प की और हर चीज मुझे सीखने पे कि कैसे करना है। और मैं अपने वालों भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, अंजू उइके मैम को और राहुल नागरची सर को, विजय टोपो सर को, जिन्होंने बहुत अच्छे से मेरे साथ वर्क किया और अच्छे से वो भी रैंक अचीव करे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बोलना चाहूंगी सर, मैं अपना रैंक बताना चाहूंगी, 3 साल मेरा कंप्लीट हो चुका है और बहुत कम समय में मैंने ये रैंक अचीव किया है और मेरी इनकम है 3 लाख रुपए अर्न कर चुकी हूँ सर अभी तक। और ये सब पूरा घर बैठे हुआ है सर, मैं कभी भी बाहर नहीं गई हूँ, ना ही किसी को आज तक किसी के घर जाके प्लान दिखाया है मैंने तो। और शुरू शुरू में बहुत सारी तकलीफें आई मेरे लाइफ में भी कि कैसे करूंगी क्या करूंगी, है ना, लोगों को बताती थी तो सब मना कर देते थे। जब ये सिस्टम मेरे पास आया तो जैसे लोगों के मन में होता है ना कि ये लोग आएंगे कि नहीं, जुड़ेंगे कि नहीं, है ना, तो मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आया था कि लोग जुड़ेंगे कि नहीं, कैसे कर पाऊंगी मैं, नहीं हो पाएगा घर पे रह के, है ना, 3,000 से कैसे ज्वाइनिंग करूंगी। बट एक चीज था, मेरे ड्रीम्स बड़े थे और मुझे अपनी सारे ड्रीम्स पूरे करने थे और सपोर्ट भी करना था घर पे, है ना। इसलिए ये मेरे सर शीतल सर बोलते थे, निगेटिव प्रॉब्लम पर फोकस मत करो, सॉल्यूशन पर ध्यान दो, प्रॉब्लम अपने आप हट जाएगी। तो फिर मैं सिर्फ ये सोचा कि देखते हैं करते हैं, है ना, और खोने के लिए कुछ नहीं है बट पाने के लिए बहुत कुछ है, ये सोच के फिर मैं आई। और सच बताऊं सर तो मेरे कोई भी रिलेटिव फ्रेंड सर्कल कोई भी नहीं जुड़ा मेरे साथ, सभी ने मना कर दिया था। और शुरू शुरू में जब मैं लोगों को प्लान दिखाती थी तो सब मना कर देते थे लोगों को, मतलब जैसे लोग बाग प्लान पूरा देखते नहीं है और बोल देते हैं, दूसरी कंपनियों से कंपेयर करते हैं कि अरे हाँ नेटवर्क मार्केटिंग है, हमने देखा है, बहुत है, ऐसे बहुत किया है, है ना। तो पहले का जमाना और अब के जमाने में बहुत अंतर है, पहले का सिस्टम कुछ और था बट अब डिजिटल जमाना आ गया है, अब का बहुत है अलग है ना। तो यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी सिस्टम को अच्छे से सुनिए, पूरा सुनिए, ये नहीं कि प्रोडक्ट तक देख के बहुत से लोग भाग जाते हैं कि प्रोडक्ट बेचने वाला होगा, बट ऐसा नहीं है, पूरा सिस्टम समझिए और फिर जो भी डाउट हो अपने सीनियर से क्लियर करिए और फिर उसको स्टार्ट करिए, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और समझ में नहीं आएगा तो आप अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए अच्छे से समझिए, और 2, 4, 10, 20 लोग को दिखा देते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया और कोई नहीं जुड़ रहा, और ये निराश होकर छोड़ देते हैं। मैंने भी शुरू में कम से कम 500 लोगों को प्लान दिखाया था सर और कोई भी हाँ नहीं बोला था, तो मुझे इतना बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। तो मेरे शीतल सर और क्या कहते हैं सागर सर लोग मुझे मतलब बहुत गाइड किए, अच्छे से समझाते थे कि क्या बोलना है कैसे बोलना है। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, तो मेरी गलती ये थी कि सही से मैं एक तो मीटिंग ट्रेनिंग नहीं अटेंड करती थी जो सुबह की होती थी, है ना, और जो नोट्स बनाना रहता था वो नहीं बनाती थी और अपने ड्रीम्स और गोल्स नहीं लिखा करती थी। फिर बोले कि ये लिखो तब होगा, तो मैं डेट के साथ अपनी ड्रीम्स गोल्स मतलब लिखी और फिर उस पर फोकस करके सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस किया कि मुझे ये रैंक अचीव करना है और यहाँ से इतनी इनकम लेना है।
बस और अपने लग गई काम पे, सीखने पे बहुत फोकस किया। आप सिस्टम से सीखिए और अपने से भी कोशिश करिए कि आप और कितना बेस्ट कर सकते हो, जहां से आपको सीखने को मिले, जहां जिनसे भी सीखने, डाउनलाइन हो चाहे अपलाइन हो चाहे कोई भी हो, जिससे भी सीखने को मिले, जो भी एक्टिव है उनसे आप बात करिए, सीखिए कि ये कैसे कर रहे हैं आप, है ना। कोई भी दिक्कत होती है तो उनसे पूछिए कि यहाँ पे हम क्या जवाब दें, तो आपको चीजें मिलेगी। जब तक आप अपने सीनियर या किसी से बात नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ सिस्टम देखने भर से कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट टारगेट क्या है सर? मेरा पर्ल रैंक अचीव करना है नेक्स्ट मंथ, वो भी हो जाएगा जी सर। वेरी वेरी गुड। और मैं सिस्टम को और सर को धन्यवाद देना चाहूंगी, जब मैं कर सकती हूँ तो आप सभी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।